फिल्म की शूटिंग चल रही है आपकी? फिलहाल चोर मचाए शोर का पैचवर्क चल रहा है यहाँ, हम लोग स्टूडियो में हैं और अवधेश जी हैं, मनोज जी हैं, मैं हूँ, रानी हैं और शाही जी हैं, तो कुछ टॉकी पोर्शन चल रहा है शूटिंग का और फिल्म कंप्लीट है। हम लोग चाह रहे हैं कि फिल्म रिलीज जल्द से जल्द हो, किसी भव्य मुहूर्त में हो, कोई ऐसा वक्त हॉलिडे पीरियड हो तो लोग आएं, दर्शक परिवार लेके आएं, सबके साथ आए, पूरी मनोरंजन से लैस फिल्म है, हर उम्र के लोगों को इस फिल्म में मज़ा आने वाला है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। काफ़ी मेहनत की है हमने और आगे तो ऊपर वाला जानता है। रानी चटर्जी जी हैं और अंजना सिंह हैं, ये दोनों क्या व्यक्तिगत तौर पे? व्यक्तिगत नहीं है, सिनेमा में। सिनेमा में, अच्छा। सिनेमा में देखिए क्या है कि इस फिल्म में एक रसाकशी चल रही है दोनों के बीच में, कहानी पटकथा नहीं उजागर करते हुए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि प्रेम जो होता है, एक प्रेम का एक स्वांग रचाया जाता है और उसमें कैसे हम सब मोहरे बन जाते हैं और धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है बात, तो कहानी कुछ ऐसी है उसमें, उनका जो पोर्शन है। और ये तो लास्ट में पता चलेगा दर्शक को कि किस तरफ मेरा झुकाव है फिल्म में। जी जी, बहुत ज़्यादा उम्मीद हैं क्योंकि सब ने दिल से मेहनत तो की है और सबका प्रयास एक ही रहा है कि एक अच्छी फिल्म बनाई जाए। अच्छी यानी मसालेदार नहीं, या ब्लॉकबस्टर नहीं, या बजट में भव्य नहीं, जो उस फिल्म की ज़रूरत है वो तो दी गई है, लेकिन अच्छी फिल्म का मतलब यह है कि उसमें साफ सुथरा एंटरटेनमेंट हो, बस। तो वो प्रयास है, अब जनता हमारा साथ दे तो ऐसी और फिल्में बना पाएंगे हम। मिश्रा जी ने जब ये पहली लाइन सुनाई थी तो हमें बहुत लगा था कि ये कर पाएंगे इस चीज़ को कि नहीं, बहुत बड़े स्केल पे एक्शन है, बहुत बड़े स्केल के गाने हैं इन्होंने जो सोचे हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरा विश्वास उनके ऊपर बढ़ता गया और अब अटल है कि वो बहुत सक्षम टेक्नीशियन है और जब भी फिल्म बनाएंगे सोच समझ के अच्छी फिल्म बनाएंगे। हाँ, देखिए या तो हमें समझने में तकलीफ हो रही है कि दर्शक देख रहे हैं या नहीं, या फिर दर्शकों को लग रहा है कि ऐसी फिल्में बन रही है, जो मिल रहा है माई बाप वो खा लेंगे हम, आप अच्छी बनाए तो हम अच्छी देखेंगे, आप बुरी बनाए तो हम बुरी देखें, तो कौन इसका दाई है ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमको इतना समझ में तो ज़रूर आ रहा है कि एक प्रयास किया जा सकता है एक अच्छी फिल्म बनाने का। अब इसके आगे जनता के ऊपर है कि उसकी निंदा करे, उसका आदर करे, उसे पसंद करे, नहीं करे, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। अगर वो प्रयास ही नहीं है तो हमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि जनता को ये पसंद है या नहीं है, हम में से कोई ये नहीं बता सकता जनता को क्या पसंद है, वो खुद ही वो जानते हैं। जी जी, दुआ है, लोगों के बड़ों का आशीर्वाद है, इंडस्ट्री में पिताजी के थ्रू जो प्यार मिल रहा है वो तो है ही, और लोगों की उम्मीदें हैं और मैं डरता हूँ कि उस उम्मीद पे खरा उतरने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़े, वो करने के लिए मैं राज़ी हूँ कि लोग निराश नहीं हों, हमारे इंडस्ट्री निराश नहीं हो, लोग निराश नहीं हों, तो एक इमोशनल हो जाता हूँ कभी कभी इस बात को लेकर। जी जी, देखिए ये बात बहुत बड़ा एक सच है कि आप किसी के नाती हों, किसी के पोते हों, किसी के बेटे हों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मौका मिल जाएगा या वो अधा तुरंत मिल जाएगा, वो आप हासिल कर लेंगे, ये बात सच नहीं है और ये मैं इसका जीता जाता सबूत हूँ। तो जहाँ तक कि जो हमारे सुपरस्टार्स ऑलरेडी हैं वो भी तो कहीं ना कहीं ज़मीन से उठ के आए हैं, संघर्ष करके उठे हैं, किसी माध्यम से उठे हैं, अपनी मेहनत पे बल पे, तो मेहनत को तो नकारा नहीं जा सकता, तकदीर को नकारा नहीं जा सकता, तो मेरी भी एक जर्नी अपनी होगी। अब खून पानीपत की जंग में बहे या कारगिल में, खून तो खून है, वो तो बहना ही है, तो उनका स्ट्रगल वो था, मेरा स्ट्रगल ये है। जी जी बिल्कुल, शूटिंग चल रही है, पैचवर्क चल रहा है, बताएंगे तो
फाइनली हमारी फिल्म कंप्लीट हो रही है चोर मचाए शोर, और फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही हूँ अपना। मेरा ये लास्ट सेकेंड डे होगा, एक हम गाना शूट करने वाले हैं, शायद आप लोग उस दिन भी विजिट करेंगे हमारे सेट पे। तो फाइनली हमारी फिल्म कंप्लीट हो रही है और बहुत जल्दी ये फिल्म का ट्रेलर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आकाश बहुत टैलेंटेड हैं और आकाश में एक नया एक नई एनर्जी है, और अभी हमारे इंडस्ट्री को ज़रूरत है एक नए हीरो की जो काबिल तारीफ़ हो, और आकाश पूरी तरह से काबिल तारीफ़ हैं और मुझे बहुत उम्मीद है आकाश से। और आकाश एक फिल्म के बाद उन्होंने धड़ाधड़ कई सारी फिल्में साइन की हुई हैं, तो मुझे लगता है कि उनका आगाज़ बहुत अच्छा होने वाला है हमारी इंडस्ट्री में। वजह यह है कि मैं रूटीन फिल्में नहीं करना चाहती। रूटीन मीन्स नया हीरो, ऑलवेज नया हीरो, नया हीरो, नया हीरो, तो मैं उस तरह की फिल्में अभी नहीं करना चाहती। मैं मैंने हमेशा से नए हीरो के साथ ही मैक्सिमम फिल्में की हैं, लेकिन अब नया हीरो हो तो कॉन्सेप्ट अच्छा हो। बॉलीवुड में सलमान खान नए हीरोइनों को लॉन्च करते हैं और भोजपुरी में रानी चलती हीरो को लॉन्च करती है, ऐसा कुछ रहता है या ये तुम लोग बोलते हो। आई एम वेरी ग्लैड कि ये बातें बोलते हो, लेकिन मैं अभी चाहती हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट बेस अच्छी फिल्में करूँ। अब वो टाइम है कि कुछ महत्वपूर्ण फिल्में करूँ जो अच्छा मैसेज दें। रूटीन गाने, रूटीन कमर्शियली फिल्म बार बार मैं नहीं करना चाहती। और अच्छी बात ये है कि मेरे पास उस तरह के प्रोजेक्ट्स आ भी रहे हैं अभी, और अभी मैं काफ़ी फिल्में नज़र आऊँगी। इतना शूटिंग करने के बाद सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव कैसे रह पाती हैं? मेरी लाइफ का एक हिस्सा है सोशल मीडिया, क्योंकि रियल लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा घूमती फिरती नहीं हूँ। मतलब मैं उन एक्टरों में से हूँ जो क्लबिंग नहीं जाते, जो डिस्को नहीं जाते। मैंने आज तक डिस्को नहीं देखा है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करती हूँ, तो एक सोशल मीडिया है जिसके ज़रिए मुझे दिन दुनिया की खबरें पता चलती हैं, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। एक्चुअली मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी, और YouTube पे मेरा अपना चैनल है, तो YouTube पे मैं सिर्फ मोबाइल से शूट करके डालना मैं इसमें बिलीव नहीं रखती। मैं चाहती हूँ कोई भी काम हो तो स्टैंडर्ड लेवल का हो, तो क्योंकि कवर सॉन्ग्स का आजकल काफ़ी ज़माना चल रहा है YouTube पे, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना एक ट्राई करूँ, और उसमें मुझे काफ़ी प्यार मिला, काफ़ी सक्सेस भी मिली, तो इसीलिए वीडियोज़ अभी और आते भी रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रानी चैटर्जी। यूट्यूब पे मेरा अपना चैनल है रानी चैटर्जी एंटरटेनमेंट, तो आप लोग प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और मेरे अपडेट्स को इंजॉय करें। रानी आजकल ज़्यादातर बड़े बड़े साइट पे छाई रहती है, कुछ हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दे लेकर रहती है, तो ये सब मुद्दे आते कहाँ से आपके दिमाग में? आ जाते हैं बस थिंकिंग है। और मैं मैं हमेशा से, मुझे कभी भी कुछ भी बोलने का डर नहीं रहा, तो मेरे मन में जो आता है वो मैं करती हूँ, मेरे मन में जो आता है मैं वो बोलती हूँ। नरेंद्र मोदी बारे में क्या आप सोचते हैं? नो कमेंट्स। मोदी जी को लेके क्या कहूँ, प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, और उन मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा पेशेंस किसी और में नहीं है क्योंकि जितना वो शायद अपने बारे में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, फिर भी वो शांत रहते हैं, तो बस इस बात का मैं एक कहना चाहूँगी कि इनके पास बहुत पेशेंस है। आपको अगर देश का प्रधानमंत्री बना दिया है तो कैसे चलाइए सरकार? ओह नो, मुझसे घर नहीं चला पाती है देश कहाँ से चलाऊंगी। बट अगर व्हाट डू यू मीन, शादी करने के बाद वो छुट्टे रंग घूमते हैं प्रधानमंत्री तक? तो कुंवारी है तो मैं शादी करूंगी ना, अभी वो नहीं कर सकते शादी, लेकिन अभी तो खैर वो जिस एज में है अभी उनको शादी नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी की तरफ से ऑफर आया तो क्या करेंगे? अगर मैंने इसका जवाब दे दिया ना तो पब्लिक में मैं ट्रोल हो जाऊंगी मैं इसलिए मुझे कोई जवाब नहीं देना इसका। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? आई लाइक राहुल गांधी, मैं उनकी हमेशा से फ़ैन रही हूँ। वो जिस तरह से बात करते हैं, और मैं उनकी हमेशा से फ़ैन रही हूँ। वो प्रधानमंत्री बने नहीं बने, कांग्रेस क्या करेगी आगे, क्या नहीं करेगी आगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बट आई लाइक हिम वेरी मच। मतलब बात बन सकती है शादी के लिए? हाँ, नहीं कहा मैंने। चलिए माते फिर चोर मचाए शोर पे, ये बताइए कब तक सिनेमा ये हमारे दर्शक देखेंगे? आई थिंक इस ईयर इस फिल्म आ जाएगी चोर मचाए शोर। मेरा कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है,
हीरो चोर है, मैं पुलिस हूँ, तो सोचिए कितना मज़ा आने वाला है। और अंजना भी चोर है इसमें, तो मैं पुलिस हूँ, तो मेरा एक अलग ही लुक इसमें नज़र आएगा। रियल लाइफ में दोनों अंजना और रानी मिलकर चोरी करते हैं इंडस्ट्री में, और फिल्म के माध्यम से भी चोरी करें? नहीं, मैंने कुछ चोरी नहीं की। ऐसा है किसी दिल चोरी कर लिया आपने? नहीं। पक्का ना? नहीं। चलिए, थैंक यू। नाम तो लिया नहीं मैंने। मनोज जी, बात करें आज की, तो आज क्या चल रहा है? सर, शूटिंग चल रही है, फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर, और इसका मेरे ख्याल से लास्ट शेड्यूल ही है, और मैं और आकाश जी इसमें चोर बने हुए हैं। मेरा सेंट्रल रोल है उनके साथ में ही, और उसी का एक छोटा सा पार्ट यहाँ शूट हो रहा है। हम लोग बम ब्लास्ट वगैरह हुआ है जहाँ पर ब्लास्ट करने आए हैं, और फिर उसको ब्लास्ट डिफ्यूज करना चाहते हैं, इस तरह का कुछ सीन है। सर, साथ में इसमें आपकी तेज कारी बड़ी है, मतलब वो वाली सीन नहीं है जो पहले आपने इस्तेमाल किया? हाँ, मतलब हंसने हंसाने का काम तो मेरा चलता रहता है, इसमें भी हंसने हंसाने का काम थोड़ा सा और अच्छा है, मेरे मनपसंद का है, और उसमें सारे शेड हैं, इसमें इमोशन भी है, लेकिन कॉमेडी मैंने बहुत मस्ती से की, धमाल किया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि भोजपुरी से बहुत अलग होगी, लेकिन ये है कि साफ सुथरी होगी। इसमें अवधेश मिश्रा है, आकाश यादव हीरो हैं, और इसके अलावा हमारे साथ इसमें राज कपूर शाही है, और बबली हैं, अंजना सिंह हैं, रानी चटर्जी हैं, आर के गोस्वामी हैं, गोपाल राय हैं, दीपक सिन्हा हैं, इस तरह से तमाम एक्टर हैं इसमें। हमारा तो दोनों से बहुत अच्छा रिलेशन हमेशा रहा है, ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन दोनों हमारी बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों, लेकिन यह है कि वो लोग जब सेट पे रहती है तो और मज़ा आता है, मस्ती आता है। बॉर्डर दिनेश के साथ, दुल्हन गंगा पार के खेसारी के साथ, और कलुआ के साथ कहानी किस्मत की, यश मिश्रा के साथ आने वाली मोहब्बत जिंदाबाद, और कल्लू के साथ एक और फिल्म है सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे, इस तरह से और तमाम फिल्में हैं जो कर रहा हूँ। जले हुए चेहरे का राज ये है कि विलेन है, और विलेन चेहरे से खूबसूरत ऊपर वाले ने बना दिया है, तो फिर बहुत खूबसूरत होना चाहिए। इसका राज है, बहुत पहले ये ब्लास्ट में इसका चेहरा जल जाता है, वैसे बड़ा खूंखार आदमी है, तो जले हुए चेहरे के साथ और खूंखार हो जाता है, ये भी एक सिनेमेटिक लिबर्टी है। बाकी ऐसा कुछ विशेष नहीं है, कहानी के हिसाब से ये एक बम ब्लास्ट में खुद ही बम बना रहा होता है, जल जाता है। फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, काफ़ी बड़े कैनवास की फिल्म बन रही है चोर मचाए शोर, तो इसके में आपका क्या किरदार है, अहम भूमिका, और जैसे इंटर स्टार की बात करें, इसमें स्टार कास्ट भी बहुत बड़ी है, तो कैसा रहा पूरी फिल्म रेडी है? ये विलन जो है वो लार्जर देन लाइफ विलन जिसको कह सकते हैं, थोड़ा फैंटेसी विलन भी है। आम जीवन में जैसे पहले मोगम्बे वगैरह होते थे, तो उस तरह का विलन कुछ इन हमारे डायरेक्टर ने क्रिएट किया हुआ है, अनिकेत नाम है डायरेक्टर का, और कुणाल जी चूँकि खुद भी एक एक्टर हैं, वो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उनका बेटा इस फिल्म से लॉन्च हो रहा है। स्टार कास्ट वाकई बड़े अच्छे हैं, रानी जी हैं, आकाश है, मनोज टाइगर हैं, अंजना जी हैं, मैं हूँ, तो स्टार कास्ट सही है, और फिल्म भी बहुत सही बन रही है, इसकी कहानी पृष्ठभूमि बड़ी अच्छी है, तो एक जो सिनेमा का जो मसाला होता है, हीरो विलन सारे जो दोनों हीरो हैं और रानी जी हैं, वो हमें चेज करते हुए मेरे ही साथ काम करते रहते हैं ये लोग, तो कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी है, कॉमेडी भी बहुत हद से ज़्यादा है, इमोशन भी है, और ड्रामा तो है ही, विलेन है तो ड्रामा रह गए। अभी जी ये जानना चाहेंगे, कुणाल जी ने जैसे बहुत पुराने इंडस्ट्री में लोहा बनवाया है अपना, तो अवधेश जी को आप जैसे कि उनके बेटे आकाश जी को आप कहाँ देखते हैं आज के टाइम पे जो उसमें इंडस्ट्री ग्रो कर रही है? आकाश जी बड़े डायनेमिक है, हालांकि आज के डेट की इंडस्ट्री जो है सिंगर्स प्रधान है, ये सिंगर लोग जितने होते हैं वो ज़्यादा
अभी हावी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्टर्स हमेशा से आते रहे हैं, चलते रहे। रवि जी भी इसी पौध में है, चिंटू भी है, गोलू भी है, ये तीनों सिंगर बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं। और इस बीच में जब तक नए एक्ट्रेस नहीं आएंगे, और नए एक्ट्रेस में इसका बड़ा अच्छा स्कोप है आकाश का, वो हैंडसम है, डायनेमिक है, अच्छा डांस जानता है, अच्छा एक्शन जानता है, दिखने में बड़ा अच्छा है, परफॉर्मर अच्छा है, तो मिला जुला करके एक हीरो में जो होना चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है, और पिता का अंश है, वो पिता का खून है उनमें, तो विरासत में उनको अभिनय मिला हुआ है। बहुत होप है उस लड़के से, बड़ा होप है इस इंडस्ट्री को, बाकी आगे गॉड इज ग्रेट। जैसे कि आपके किरदार की बात करें तो आप अलग अलग किरदार में बहुत महारत हासिल कर चुके हैं, तो आने वाले टाइम में आप किस किस किरदार में और काम करना चाहेंगे? आपने पहले कहा था कि मैं विलन की भूमिका नहीं निभाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ऐसा नहीं है, विलन की भूमिका मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, लेकिन कोशिश ये रहती है कि ज़्यादातर चरित्र अभिनेता, चरित्र इन द सेंस की जो सिनेमा का की पॉइंट हो, बैकबोन हो, उस तरह के कैरेक्टर्स को करूं, चाहे वो विलेन में हो, चाहे पॉजिटिव रोल में हो या कॉमिक रोल में हो, तो इसमें भी वही है, बैकबोन है इस सिनेमा का, इस किरदार के इर्द गिर्द पूरी कहानियां घूमती रहती हैं। मैं तो एक एक्टर हूं, कुछ भी कर सकता हूं, मैं रॉ हूं, एक गीली मिट्टी हूं, जिधर ढाल दे लोग ढल जाऊँगा। Global Advertiser for innovative outdoor solutions.